हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी पोइम है कीपिंग क्वाइट, जिसको कंपोज किया है पेब्लो नेरुडा ने। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी पोइम को पढ़ने वाले हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में। तो उनकी तस्वीर आपके सामने आ गई है, पेब्लो नेरुडा, जिनका जो जन्म है वो 12 जुलाई 1904 को हुआ था और 23 सितंबर 1973 को उनकी डेथ हो गई थी। और वो एक चिलियन पोइट थे, डिप्लोमेट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। उनको नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर 1971 के अंदर। और सबसे जो एक विशेष बात है उनके बारे में वो ये है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही कविताएं हैं वो लिखना शुरू कर दिया था। तो ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, ये इन्होंने स्पेनिश भाषा के अंदर लिखी थी और स्पेनिश भाषा से फिर इसका इंग्लिश के अंदर बाद में ट्रांसलेट किया गया था। तो चलिए हम इस पोइम को पढ़ते हैं और इस पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस पोइम का जो बेस है, इस पोइम की जो थीम है, वो ये है कि पेब्लो नेरुडा पूरे विश्व के लोगों से कहते हैं कि वो शांत हो जाए, जिस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर वो लगे हुए हैं, जिस भागदौड़ में वो लगे हुए हैं। सुबह भागते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर अगले दिन सुबह भागते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, और बिल्कुल भी उनको सोचने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी अपनों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, किसी के साथ गलत हो रहा है वो सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है जो पूरे विश्व के लोग जी रहे हैं, तो उन सभी से वो कहते हैं कि आप रुक जाइए, थोड़ा अपने जीवन को विराम दीजिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, रेट्रोस्पेक्शन कीजिए और पता लगाइए कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको बदलने की ज़रूरत है। इसलिए इस पोइम की जो थीम है वो ये है कि जो लड़ाई झगड़ा लाइफ के अंदर होता है, जो युद्ध होते हैं, आक्रमण होते हैं, कोई किसी के जगह पर अतिक्रमण कर लेता है, उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको दुनिया से हटाना वो चाहते हैं। और इसीलिए सभी लोगों से कहते हैं, ह्यूमन बींग्स से कहते हैं, सभी इंसानों से कहते हैं कि आप इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से विराम लीजिए और सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन यानी हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ते हैं, कीपिंग क्वाइट। तो स्टूडेंट्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, साथ में इसमें कई सारी लिटरेरी टर्म्स भी आएगी, लिटरेरी डिवाइसेस भी आएगी, जिनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। आप उस वीडियो को देख करके सारी लिटरेरी डिवाइसेस भी तैयार कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कीपिंग क्वाइट, कंपोज बाय पेब्लो नेरुडा। तो वो कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्थिर हो जाएंगे। कीप स्टिल का अर्थ होता है स्थिर हो जाना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, एकदम से मतलब विदाउट मूविंग, मोशनलेस जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल भी हलचल ना हो। तो वो कहते हैं पूरे जो विश्व के लोग हैं, ह्यूमन बींग से कहते हैं, इंसानों से कहते हैं, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिनेंगे, 1 से 12 तक, यानी 12, यहाँ पे 12 वर्ड का इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दिन के अंदर देखिए 12 घंटे होते हैं, घड़ी के अंदर 12 तक ही गिनती होती है और एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 लेने का, 12 तक गिनती गिनने का एक विशेष महत्व है। वो टाइम से रिलेट करना चाहते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक हम 12 घंटे इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं और बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, गलत सही के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 वर्ड का इस्तेमाल किया है। वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्थिर हो जाएंगे, यानी बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो वो ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के रुकने के लिए कह रहे हैं कि अपना काम छोड़िए और एकदम से स्थिर हो जाइए, रुक जाइए। तो इन दो लाइनों के अंदर लिटरेरी टर्म्स जो आई है वो मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। वी विल पहली लाइन में आया है, वी विल दूसरी लाइन के अंदर भी आया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर बार बार किसी वर्ड की पुनरावृत्ति होती है तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। शब्दों की वी विल आ गया, दोबारा से वी विल आया, तो इस तरीके से जो पुनरावृत्ति होती है उसको कहते हैं रिपीटेशन। ये लिटरेरी टर्म्स होती है। और दूसरी जो लिटरेरी टर्म्स इसमें आई है वो देखिए, पहली लाइन में आया है काउंट कि गिनना, और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कीप स्टिल, स्थिर रहना। तो एक तो गिनना, गिनेंगे तो हम हिलेंगे, यानी हमारे होठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी, आवाज़ आएगी। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं काउंट, दूसरी तरफ कह रहे हैं कीप स्टिल कि हम स्थिर रहें, हिलना भी नहीं है। तो इसको कहते हैं एंटीथीसिस। ये लिटरेरी टर्म होती है जिसमें दो
एक दूसरे के ओपोजिट विचार होते हैं। अगली स्टेंजा पे हम चलते हैं, आगे कहते हैं फॉर वंस एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अंदर बात नहीं करें, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए हम रुक जाएं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी भागा दौड़ी हम कर रहे हैं उसमें से रुक जाएं, हम टाइम निकाल लें और स्थिर हो जाएं, रुक जाएं, उस काम को छोड़ दें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर केवल एक बार के लिए, यानी अपने जीवन में एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें। किसी भी भाषा में बात नहीं करने का मतलब यहाँ पे है कि जो भाषा होती है ना, वो भाषा है वो विभिन्न धर्मों से रिलेट करती है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम लोग हैं वो अलग उनकी भाषा होती है, उर्दू, हिंदी लोग, हिंदू जो होते हैं उनकी अलग होती है, या ईसाई होते हैं, सिख होते हैं उनकी, जैसे पंजाबी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के बारे में बताने की कोशिश की गई है, यानी अलग अलग धर्मों के बारे में बताने की गई है। चाहे कोई भी धर्म के हो आप, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, तो सभी धर्मों के लोगों से वो कहना चाहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलें। यानी सभी धर्मों के लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि सब स्थिर हो जाएं, सब रुक जाएं, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, मूव कर देता है हिलाना, आर्म्स मतलब, आर्म्स का यहाँ पे डबल मीनिंग होता है, एक होता है हाथ, बाजुएं, और दूसरा होता है हथियार। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हमारे जो बाजुएं हैं उनको इतना अधिक ना हिलाएं, यानी हमें हमारी बाजुएं नहीं हिलानी है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म्स आई है, पहली तो आई है लेट्स नॉट, फिर अगली लाइन में लेट्स दोबारा से, तो दो बार यहाँ पे लेट्स, लेट्स लगातार दो लाइनों में एक ही शब्द का बार दो बार यूज किया है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं एनाफोरा, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस जो होती है उसको कहते हैं एनाफोरा, यानी एक लाइन में लेट्स, उसकी अगली लाइन में भी वही वर्ड दोबारा आ जाए, तो उसको लिटरेरी टर्म को कहते हैं एनाफोरा। दूसरी जो लिटरेरी टर्म यहाँ पे आई है वो आई है आर्म्स, यानी लास्ट वाली लाइन के अंदर, इस लिटरेरी टर्म्स को होते हैं पन। इसके अंदर क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना, या फिर एक ऐसा वर्ड जिसकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो उस लिटरेरी टर्म को हम कहते हैं पन, हिंदी में स्लेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मूव नॉट मूव और आर्म्स सो मच, हमें हमारी बाजुओं को नहीं हिलाना है, एक तो ये हो गया। दूसरा आर्म्स का मतलब होता है हथियार, यानी जो इंसान युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, एक देश दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहता है और उसकी भूमि को हथियाना चाहता है, तो इस तरीके से वो कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जो हथियार हैं उनका यूज नहीं करना है, हमें युद्ध नहीं करना है, इंसान को, एक देश को दूसरे देश पर अटैक नहीं करना है, हमला नहीं करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का, यानी एक ही वर्ड के माध्यम से उन्होंने दो चीज़ें बता दी है आम शब्द के माध्यम से, इसलिए यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म है वो है पन। तो कुल मिलाकर के इस स्टेजा में वो कह रहे हैं कि एक मिनट के लिए, एक सेकेंड के लिए अपने लाइफ में से टाइम निकालें और रुक जाएं और कुछ ना करें। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, अब जब सारे रुक जाएंगे तो ये कैसा पल होगा, कैसा टाइम आएगा, एग्जोटिक मोमेंट, एग्जोटिक का मतलब होता है विलक्षण, दुर्लभ, मोमेंट यानी पल, समय, तो ये एक विलक्षण पल होगा, एक विलक्षण टाइम होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं ना वो सारे के सारे रुक जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो एक विशेष प्रकार का ये जो टाइम है उसको एग्जोटिक टाइम कहा गया है, एग्जोटिक मोमेंट कहा गया है, जब सभी लोग रुक जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे, या मतलब जो भागादौड़ी की ज़िंदगी में वो लगे हुए हैं, जो बुरे विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर मारना चाहते हैं, दूसरे लोगों को, वो सब उनसे निकाल करके एक पल के लिए वो रुक जाएंगे, कुछ भी उनके दिमाग में नहीं होगा। विदाउट रस, रस करते हैं भागदौड़ को, जिसमें भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन काम नहीं करेगा, इंजन यानी सब जो साधन है, व्हीकल हैं, कारें हैं, बसें हैं, ट्रेन है, कोई भी इंजन, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर इंजन्स होते हैं तो फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएगी, यातायात के जितने भी साधन हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, और जो भी इंजन जहाँ पे काम आते हैं, मशीनरी काम आती है, तो सारी मशीनरी उसमें ठप हो जाएगी, जब सभी लोग एकदम से रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कुछ पल के लिए अपना काम छोड़ देंगे, रस नहीं होगी उसमें, भाग दौड़ नहीं होगी। We would all be together, तो हम सभी यानी पूरी पृथ्वी के लोग would all be together, सभी साथ साथ होंगे, in a sudden strangeness, sudden यानी अचानक से, strangeness कहते हैं अजीब
को, यानी एक अजीब सा वातावरण मिलेगा। उस अजीब से वातावरण के अंदर हम सभी लोग साथ साथ होंगे। सडन स्ट्रेंजनेस यानी अचानक से एक अजीब सा टाइम वातावरण बन जाएगा जिसके अंदर पूरी पृथ्वी के लोग साथ साथ होंगे। साथ साथ होंगे मतलब सभी लोग एक ही काम करेंगे, और वो काम क्या होगा, शांत खड़े रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे। यहाँ पे काम रोकने से वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काम तो आपको जो करना है वो करना ही है, लेकिन ये जो आपके दिमाग के अंदर जो विराम नहीं मिल रहा है ना, कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो दिमाग के अंदर विराम दे करके और फिर आपको सोचना है अपने काम के बारे में कि जो कर रहे हो आप या जो करना चाह रहे हो वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे रुकने के लिए जो कह रहे हैं उसका मतलब वो है। यहाँ पे देखिए विदाउट और विदाउट दूसरी लाइन में, ये दोनों वर्ड एक ही वर्ड दो बार फिर से आया है, तो इसको क्या कहेंगे, रिपीटिशन। और इसकी अगली जो दो लाइनें तीसरी और चौथी, उसमें देखिए वी वुड, इसके अंदर डब्ल्यू का रिपीटिशन, डब्ल्यू दो बार आया है, और चौथी लाइन के अंदर सडन स्ट्रेंजनेस में एस और एस दोबारा से दो वर्ड्स के अंदर कंटिन्यू पहला लेटर ये आया है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिट्रेशन, यानी पूरा शब्द यदि दो बार रिपीट होता है उसको कहते हैं हम रिपीटिशन। और एक लेटर यदि रिपीट होता है बार बार, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है, एस एस रिपीट हुआ है, इस लिटरेरी टर्म को कहते हैं हम एलिट्रेशन। तो ध्यान रखें रिपीटिशन और एलिट्रेशन दोनों को आप ध्यान रखें। इसके बाद में आगे क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि जब सारे लोग रुक जाएंगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जो फिशरमैन है कोल्ड सी के अंदर, यहाँ पर देखिए कोल्ड सी जो है उसके अंदर भी एक लिटरेरी टर्म का यूज किया गया है, उस लिटरेरी टर्म को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि एक हम जो कहना चाहते हैं ना वो मीनिंग हमारा नहीं होता है, मीनिंग कुछ अलग होता है। तो कोल्ड सी, यहाँ पे जो सी है समुद्र है उसको ठंडा नहीं बताया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि समुद्र के अंदर जो मछुआरे काम करते हैं ना वो कोल्ड है। कोल्ड का मतलब होता है उदासीन, वो उदासीन है। तो यहाँ पे कोल्ड सी का मतलब है कि उदासीन मछुआरे जो समुद्र में रहते हैं, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो क्या होगा जब सारे लोग रुक जाएंगे, तो जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी जो उदासीन हो गए हैं, समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल मछलियों को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी गैदरिंग, गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करने का काम करता है, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, वो अपने चोटिल हाथों को देखेगा। तो यहाँ पे जो फिशरमैन है मछुआरे जो मछलियों को मारते रहते हैं, जीवों को मारते रहते हैं, जो उदासीन बने रहते हैं, उनके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं होती है कि हम जीवों को मार रहे हैं, हमें ये नहीं मारना चाहिए, वो भी रुक जाएंगे और वो भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना रेट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, हमें जीवों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। जब उनको पता चलेगा कि जीव हत्या तो पाप है, तो वो भी उस काम को छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जो आदमी नमक इकट्ठा करने का काम करता है उसके हाथ को नुकसान होता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता है, जब वो अपने हाथों को देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे हाथों को नुकसान हो रहा है, या तो मुझे कोई इसके लिए प्रोटेक्शन लेनी चाहिए और या फिर मेरे को इस काम को छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रुक करके दो उदाहरण दिए फिशरमैन और यहाँ पे जो नमक इकट्ठा करने वाले आदमी हैं उनके, कि वो अपने अपने नुकसान के बारे में सोचेंगे और जो काम वो कर रहे हैं उसके ऊपर विचार करेंगे कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे दो लिटरेरी टर्म आई है, कोल्ड सी के अंदर है ट्रांसफर्ड एपिथेट, और यहाँ पे लास्ट वाली मैंने पहले ही बता दी एच 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 रिपीटेशन हुआ यहाँ पे, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लेटर का रिपीटेशन हुआ है, शब्दों का रिपीटेशन नहीं हुआ। इसके बाद में आगे देखिए दोज, वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स यानी आप बोल सकते हो जैविक युद्ध, वे लोग जो जैविक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पर्यावरण को नष्ट करते रहते हैं, यानी पेड़ पौधों को काटते रहते हैं, जंगल के जंगल काट करके ले जाते हैं, और जो जानवर होते हैं जंगलों के अंदर जैसे राइनोसोर्स हैं, सींग बहुत काम का होता है, एलिफेंट है, उनके दांत बहुत काम के होते हैं, तो इस प्रकार अपने मतलब फायदे के लिए जो जानवरों को मारते हैं और जंगलों को नष्ट करते हैं,
तो उनके लिए कहा गया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कि जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं यानी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या जैविक युद्ध की तैयारी करते हैं, जानवरों को मारते हैं, वॉर्स विद गैस, गैस से लड़े जाने वाले युद्धों की जो तैयारी करते हैं, वॉर्स विद फायर और आग से लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करते हैं, यानी वे लोग जो गैस से लड़े जाने वाले युद्ध, आग से लड़े जाने वाले युद्ध यानी बारूद, बम, तोप, इनसे जो मिसाइलें जो इंसान ने तरह तरह के हथियार बना लिए हैं मानव जाति को नष्ट करने के लिए, इनसे लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, उनको पता चलेगा, उनको ये बात समझ में आएगी विक्ट्री की, उनकी जीत तो होगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन पीछे कोई जीवित नहीं रहेगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, सर्वाइवर का अर्थ होता है जीवित बचने वाला यानी जीवित रहने वाला, तो यहाँ पे लिखा नो सर्वाइवर, पीछे कोई जीवित नहीं रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध होगा तो सभी लोग उसमें खत्म हो जाएंगे। वैसे विक्ट्री होती है राजाओं के बीच में, जैसे पुराने टाइम में युद्ध होता था, एक राजा जीतता था और दूसरा हारता था, तो जो जीतता था वो अपनी जीत का जश्न मनाता था, अपनी जीत को एंजॉय करता था। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि जीत तो होगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, एंजॉय करने वाला, उस जीत का आनंद लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब वो क्या करेंगे, पुट ऑन का होता है पहनना, क्लीन क्लोथ्स यानी साफ सुथरे कपड़े, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब साफ सुथरे कपड़े से नहीं बोल सकते आप, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि उनकी आत्मा है वो एकदम से शुद्ध हो जाएगी, जब वो विचार करेंगे कि जो काम वो करने जा रहे हैं, जो युद्ध वो करने जा रहे हैं, उसमें किसी की जीत नहीं होने वाली और कोई उस जीत को एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे कोई बचेगा ही नहीं ना जीत का आनंद लेने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसलिए वो अपनी आत्माओं को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, आत्मा के अंदर जो बुरे विचार थे ना अपने दुश्मनों के प्रति, अपने विद्रोहियों के प्रति जो बुरे विचार थे वो साफ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, यानी अपनी आत्मा से बुरे विचारों को निकाल देंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलेंगे, वॉक अबाउट का अर्थ होता है यूं ही टहलना, यूं ही चलना, बिना किसी काम के ऐसे ही चलना, तो विद देयर ब्रदर्स, जिनके साथ वो युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे ना, उन अपने भाइयों के साथ वो टहलने लगेंगे इन द सेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों के साथ इन द सेड छाया में टहलेंगे, तो यहाँ पे इन द सेड का मतलब क्या है, जैसे पेड़ होता है वो सूरज से आती हुई धूप से हमें बचाता है, यानी सूरज जो है उसकी रोशनी हमें तकलीफ देती है, मतलब उसकी जो किरणें होती है गर्मियों के दिनों में वो हमें तकलीफ देती है, तो पेड़ क्या करता है उस तकलीफ से हमें बचाता है। तो यहाँ पे इन द सेड का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे के दुश्मन थे, जो एक दूसरे को मारना चाहते थे, एक दूसरे के साथ युद्ध करना चाहते थे, वो अब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को छाया देंगे, यानी एक दूसरे की रक्षा करेंगे और उनको अपने भाई मानेंगे। तो इसके अंदर लिटरेरी टर्म्स जो आए हैं मैं बता देता हूँ, वॉर्स विद दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ है एक ही वर्ड, तो इसलिए इसको कहेंगे रिपीटेशन। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये जो है शब्द है इसको कहते हैं पैराडॉक्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इसके अंदर पैराडॉक्स है, ये आगे मैं उसमें बनाऊंगा लिटरेरी टर्म्स का एक वीडियो, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स और इन द सेड, ये दो जो शब्द हैं क्लीन क्लोथ्स इन द सेड, इसके अंदर दोनों के अंदर है मेटाफर, मेटाफर का यूज किया गया, यानी जो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो मतलब नहीं है, मतलब कुछ और है। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा से बुरे विचार निकल गए, आत्मा एकदम से शुद्ध हो गई, उसको कहा गया क्लीन क्लोथ्स। और इन द सेड का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट करना, छाया देना, किसी की रक्षा करना, तो ये यहाँ पे बताया गया है। व्हाट आई वॉन्ट, अब आगे पॉइंट क्या कहते हैं पेब्लो नेरुडा, व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसमें भ्रमित नहीं होना है, विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी के साथ, यानी जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, एकदम से शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है, हिलना डुलना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, तो वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। इनएक्टिविटी कहते हैं निष्क्रियता को, यानी बिल्कुल ही निष्क्रिय नहीं हो जाना है, तो यहाँ पे अपनी बात को वो क्लियर कर रहे हैं। व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, तो उसके अंदर आपको पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होना है। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें और बैठ जाएं एकदम से,
कि मैं कह रहा हूँ कि सबको स्थिर होना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वो है जिसके बारे में ये है, यानी लाइफ जो है उसका कोई ना कोई एम होता है। सभी का अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ एम होता है, किसी उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिलता है, तो हमें उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को तो पूरा करना ही है, उसके लिए तो हमें प्रयास करना ही करना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे आदमी कुछ भी नहीं करेगा, जैसे टोटल इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी टोटल इनएक्टिविटी के अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, मरे हुए के समान है, मरा हुआ आदमी बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मेरे को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाएं, बिल्कुल भी कुछ ना करें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वही है जिसके बारे में ये है, यानी जीवन जिसके लिए हमें मिला है, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, उसको तो हमें प्राप्त करते रहना है, उसके लिए तो प्रयासरत रहना ही रहना है। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माइंड के अंदर, और हमें सोचना है अपने कार्यों के बारे में कि हम उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता चुना है या जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। यदि वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो हमें उस रास्ते को बदलने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पर देखिए नो ट्रक विद डेथ, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है, जिसको कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, किसी कठोर शब्द को बहुत ही सुंदर तरीके से बोल देना, कठोर शब्द। अब यहाँ पे नो ट्रक विद डेथ का यहाँ पे ये वो कहते हैं डाइड पीपल या किल्ड पीपल, ऐसा कोई शब्द तो थोड़ा सा कठोर लगता, तो यूफेमिज्म कहते हैं इसको, नो ट्रक विद डेथ, यानी थोड़ा सा कठोर शब्द होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना, ठीक है ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं, यानी युद्ध होगा। देखिए यहाँ पे ट्रक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो युद्ध होता है, दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करती है, तो युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, और उसके बाद में उन सैनिकों की लाशों को, डेड बॉडीज को ट्रकों के अंदर भर भर के लाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मतलब आपकी लाशें हैं वो ट्रकों के अंदर भर भर के लाई जाए, और मतलब ऐसा कोई नुकसान हो मानव जाति को, तो मेरा मतलब वो नहीं है, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे वो भी कहना चाहते हैं। इसके बाद में देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंड का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, सिंगल माइंड का अर्थ होता है स्वार्थी, यानी जो स्वार्थी लोग होते हैं, सिंगल माइंडेड, एकल विचार वाले, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पे होता है जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, केवल अपना फायदा देखता है, तो सिंगल माइंडेड आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे कवि जो हैं पेब्लो नेरुडा वो कह रहे हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने स्वार्थी नहीं होते, सिंगल माइंडेड नहीं होते, यानी हमारी सोच एक ही तरफ सोचने वाली नहीं होती, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कीप मूव का अर्थ होता है चलाते रखना, आवर लाइफ, हमारे जीवन को, यदि हम हमारे जीवन को चलाने को लेकर के इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते कि अब हम हमारे जीवन को चला रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं, या एक देश है वो अपने बारे में ही सोच रहा है, दूसरे देश जिसके ऊपर वो अटैक करना चाहता है, उसकी ज़मीन को हड़पना चाहता है, वहाँ के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, एंड फॉर वंस, और केवल एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करने का मतलब वही, यदि लाइफ के अंदर एक बार हम सोचते हम कुछ नहीं करते, अपनी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो काम हम जो कर रहे हैं उससे विराम लेते, और हम सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते, रेट्रोस्पेक्शन करते, परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, तो एक बहुत विशाल शांति, एक बहुत बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट, रोक देती दिस सैडनेस, उस उदासी को, उस सैडनेस को इंटरप्ट कर देती, उस उदासी को रोक देती, कौन रोक देती, ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी, एक बहुत विशाल मौन शांति। और ये शांति कैसे आती, जब हम कुछ नहीं करते, थोड़े समय के लिए रुकते और सोचते,
तो एक बहुत विशाल शांति आती और वो उस उदासी को रोक देती। और उदासी हमें किससे होती है, इंसान दुखी किससे होता है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। उदासी हमें होती है नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ पाते हैं, हम अपने बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको लेकर के हम दुखी हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और दूसरी कौन सी चीज़ जिससे इंसान दुखी रहता है, उदास रहता है, थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स, हम खुद डराते हैं अपने आप को विद डेथ, मृत्यु से। यानी इंसान एक तो मृत्यु से डरता है, मौत से उसको डर लगता है, इसलिए वो चाहता है कि जो उसे करना है लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी वो कर ले, उसको पूरा कर ले, पता नहीं उसकी कब मौत हो जाएगी। जैसे इंसान की शादी हो गई, उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए मैं कर दूँ, पता नहीं कब मेरी मौत हो जाए। तो एक तो हमें अपनी मृत्यु से डर लगता है, और एक हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं उससे हम डरते हैं, तो इन दो चीज़ों से हम उदास रहते हैं। तो ये उदासी किससे दूर हो सकती थी, एक विशाल शांति से, ह्यूज साइलेंस से, बहुत बड़ी चुप्पी से। और वो चुप्पी कब आती, जब हम कुछ नहीं करते, थोड़े टाइम के लिए रुकते, अपने काम को छोड़ते, विचार करते दिमाग के अंदर, तो हम सोचते कि हम ये जो काम करने वाले थे ये हम गलत करने वाले थे, जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो सकता था या हमें भी नुकसान हो सकता था, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। और हम उस काम को नहीं करेंगे तो हम आगे कभी दुखी नहीं होंगे उस काम को लेकर के। तो ये यहाँ पे वो बताना चाहते हैं, इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलाने को लेकर के सिंगल माइंडेड नहीं होते, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ नहीं करते, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो एक बहुत विशाल चुप्पी जो इस उदासी को रोक देती, बाधा डाल देती, इंटरप्ट कर देती, और वो उदासी नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, एक तो हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं उससे होती है, और थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और एक हमें मृत्यु से डर लगता है उससे होती है। Perhaps the earth can teach us, आगे वो कहते हैं कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, earth can teach us। अब यहाँ पे एक literary term का यूज किया गया है, और ये literary terms क्या है, personification, इसको कहते हैं personification, यानी कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर है उसको इंसानों वाले गुण उसके अंदर बताने की कोशिश करना। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो पढ़ा नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है, टीच करा सकती है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि शायद पृथ्वी से हम सीख सकते हैं, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और क्या सिखा सकती है पृथ्वी, देखिए, वेन, जब Everything seems dead, जब हमें सब कुछ पृथ्वी के ऊपर मरा हुआ प्रतीत होता है, dead प्रतीत होता है, and later proves, और बाद में वही चीज़ साबित होती है, to be alive, जीवित। यहाँ दोनों लाइनों के अंदर dead और alive, यहाँ पे क्या है, antithesis, यानी दो opposite वर्डों का opposite words का इस्तेमाल किया गया है, दो opposite मीनिंग बताने के लिए, एक में डेड मृत्यु, एक में लाइव जीवित। तो यहाँ पे क्या करें, पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर जब पतझड़ की ऋतु आती है, पतझड़ की ऋतु में क्या होता है, पेड़ पौधे जो हरे हैं वो हरे नहीं रहते हैं, उनकी पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती है, और एकदम हमें उजड़ा हुआ सा प्रतीत होता है, सब कुछ हमें उजड़ा हुआ सा लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और जब बसंत ऋतु आती है तो वही पेड़ पौधे एकदम से जीवित हो जाते हैं और हरियाली छा जाती है चारों तरफ। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पृथ्वी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि हमें अपने टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, यानी वो कहते हैं कि पेशेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए हमारे अच्छे टाइम का, जब हमारा अच्छा टाइम आएगा तो हमारी समस्याएँ अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये सीख हम पृथ्वी से ले सकते हैं कि हमें कुछ गलत हो रहा है, हम कठिनाइयों में हैं, मुसीबत में हैं, तो हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और जब अच्छा टाइम आएगा तो वो परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएगी। जैसे कि पृथ्वी है पतझड़ की ऋतु में एकदम से उदास नीरस बंजर सी लगती है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो एकदम से हरी भरी हो जाती है। आगे कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये पोइम है वो समझ में आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।